वेलकम टू ऑल माय चैनल बॉलीवुड तक का, जहाँ पे मैं आपके लिए हमेशा लेके आती हूँ बॉलीवुड से रिलेटेड न्यूज अपडेट एंड बिग बॉस से रिलेटेड जो अपडेट है मैं हमेशा लेके आती हूँ, हमेशा आपको अपडेट रखती हूँ। तो कल के बिग बॉस में क्या हुआ था? कल हुआ था बोल्डनेस और हॉटनेस का तड़का जो लगा था बिग बॉस में। सिद्धार्थ और जो फ्रेशर लड़कियों में जो टास्क हुआ था काफ़ी बोल्ड था, काफ़ी होश था, जिसको देख के बाकी लड़कों के चेहरे जो देखने वाले थे तब बिग बॉस में। तो इस टास्क में जो रुबीना बाहर हुई, तो थर्ड टास्क जो था वो था बार टास्क। इसमें करना ये था कि लड़कियों को कि अपने जो कोल्ड ड्रिंक से भरे हुए ग्लासेस हैं एक दूसरे से बचा के रखने हैं। लास्ट में जिसका जितना ग्लासेस में कोल्ड ड्रिंक बचता वो विनर होता। तो हुआ ये कि शुरू में ही जो है शहजाद ने जैस्मिन को जिताने के लिए जो निक्की को धक्का दे दिया, जिसकी वजह से उसके सारे ग्लास जो है नीचे गिर गए। तो निक्की को गुस्सा आया तो उसने सबको धक्का देना शुरू कर दिया। तो विनर तो खैर निक्की रही, पर जो शहजाद और सिद्धार्थ का आपस में बहस हुआ, जिसमें जो हीना खान और गौहर खान ने शहजाद का साथ दिया, सपोर्ट किया। हम देखते हैं बिग बॉस में कल जो है रुबीना को घर में एंट्री मिल गई है, घर पर प्रवेश मिल गया है उसे, पर नॉमिनेशन में वो सीधा नॉमिनेट हो गई है, ये बिग बॉस ने कल बोला है। तो एंड ऑफ द डे जो हम देखते हैं कि इजाज खान है जो बिग बॉस से बात करते हुए काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं, अपनी माँ को याद करते हुए रोने लगते हैं। एंड ऑफ द डे जो है बिग बॉस के घर में ज्वालामुखी फटता है, जो फटता है ज्वालामुखी वो है राहुल और पवित्रा पुनिया के बीच में। जो कारण ये होता है झगड़े का कि जो बाथरूम है वो साफ करने की जो ड्यूटी है वो राहुल वैद्य की है, पर कल जो है उसके और पुनिया के बीच में लड़ाई इस कारण से हो गई कि ठीक से साफ नहीं है बाथरूम। ये बात जो है बहस का मुद्दा था जो लड़ाई का कारण बन गया, और ये लड़ाई है जो बाथरूम की सफाई से लेके किचन तक पहुंच गई, किचन में कुकिंग तक पहुंच गई। सो ये देखते हैं कि ये जो ज्वालामुखी फटा है ये लड़ाई जो है आगे कहां तक जाती है। तो अपडेट लेने के लिए बिग बॉस के हमारे साथ हमेशा ऐसे ही बने रहिए। बॉलीवुड तड़का को सब्सक्राइब करें जल्दी से, बेल आइकन दबाइए।